Good evening everyone, my name is Jyoti Shukla and we are here to study Public Administration. और अभी हमारा पेपर वन चल रहा है इन द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. सो इन द पेपर वन ऑफ द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वी हैव ऑलरेडी फिनिश्ड द टू यूनिट्स, द फर्स्ट वन विच इज़ द नेचर मीनिंग एंड स्कोप एंड द सेकेंड वन विच इज़ द ऑर्गेनाइजेशनल थिंकर्स. तो जितने भी थिंकर्स थे वो हमारे हो गए हैं नेचर मीनिंग एंड स्कोप की, ये दो यूनिट कम्प्लीट हो गई हैं. नाउ वी आर प्रोसीडिंग विद द यूनिट थर्ड जो कि है प्रिंसिपल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. और प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के जो यूनिट थर्ड है इसमें हमारा थर्ड टॉपिक है, दिस इज़ अबाउट द पावर, पावर अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी कोऑर्डिनेशन, ये सब हमारे इसमें होंगे. बट अभी इसमें हमारा ये चल रहा है, सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस हायरार्की एंड यूनिटी ऑफ कमांड. सो दिस इज द थर्ड टॉपिक एंड दिस इज द पावर. ओके, सो लेट्स प्रोसीड विद दिस वन. ओके ना, पावर. सो पावर एंड इन्फ्लुएंस की बात अगर हम करते हैं, ओके, पावर एंड इन्फ्लुएंस आर द फंडामेंटल ह्यूमन फिनोमिना दैट आर डीपली इंग्रेन्ड ऑन द साइकी एंड कॉन्शियस पर्सनालिटी ऑफ द इंडिविजुअल्स. सो व्हाट डू वी बेसिकली अंडरस्टैंड अबाउट द पावर. अगर हम पावर के बारे में बात करते हैं कि बेसिकली पावर है क्या, तो हम सबको पता है कि पावर का मतलब होता है कि हम ताकत से, इन्फ्लुएंस से बात कर रहे हैं, कि अगर हम किसी को इन्फ्लुएंस कर सकें अपनी पावर से, अपनी ताकत से, ठीक है. लेकिन जब हमें इसे थियोरेटिकली लिखना होता है कि व्हाट कैन वी एग्जैक्टली इन्फ्रेम अबाउट द पावर, तो यहाँ पे आता है कि पावर एंड इन्फ्लुएंस आर द फंडामेंटल ह्यूमन फिनोमिना, ठीक है. सो एज वी ऑल नो कि अगर हम पावर और इन्फ्लुएंस की बात करते हैं तो ये बहुत ही फंडामेंटल ह्यूमन फिनोमिना है, क्योंकि ये हमारे ह्यूमन बिहेवियर में, हमारे ह्यूमन नेचर में काफ़ी डीपली इंग्रेन्ड है, ठीक है. वो हर इंसान को पता होता है कि हाँ ठीक है कि अगर कोई इंसान एक पावर में बैठा हुआ है तो उसकी एक पोजीशन है, उसका एक इन्फ्लुएंस है. और अगर हम सिविल सर्विसेज की बात करते हैं, इन द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, सो द वेरी कॉज ऑफ जॉइनिंग द सिविल सर्विसेज इज नॉट ओनली द रेम्यूनरेशन वी गेट बट ऑल्सो द इन्फ्लुएंस इन पावर विच दैट पोजिशन इंटरटेन्स. ओके, तो क्योंकि उस पोजीशन में इतना ज़्यादा अट्रैक्शन है उसके पावर की वजह से, उसके इन्फ्लुएंस की वजह से, इसीलिए हर साल लैक्स ऑफ एस्पिरेंट्स दे आर प्रिपेयरिंग फॉर द सिविल सर्विसेज, ठीक है. और ये क्यों होता है, ये इसलिए होता है क्योंकि ये हमारा एक बेसिक ह्यूमन नेचर है, बेसिक ह्यूमन बिहेवियर है कि हम इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं. और पावर के थ्रू किसी काम को कराना हमारे लिए काफ़ी आसान भी हो जाता है, ठीक है. सो द डिफरेंस बिटवीन द प्रॉपर एंड द इम्प्रॉपर यूज ऑफ द पावर इज द डिफरेंस बिटवीन द सक्सेस एंड फेलियर, हाई एंड लो प्रोडक्टिविटी, मोटिवेशन एंड डिसइल्यूजनमेंट. तो अगर हम बात करते हैं कि क्या डिफरेंस है पावर में और उसके यूज में, उसमें नहीं, तो फिर द डिफरेंस बिटवीन द प्रॉपर इम्प्रॉपर यूज ऑफ द पावर, सो हाउ कैन वी डिफाइन अबाउट द पावर. तो पावर को हम उस तरीके से ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं फिर यूजिंग इट प्रॉपरली. तो अगर उसका प्रॉपर यूज़ होता है पावर का, ठीक है, और इसका इम्प्रॉपर अगर यूज़ होता है, तो उसमें कंट्रास्ट ये आता है कि अगर हम उसे प्रॉपरली यूज़ कर सकते हैं पावर को तो वो हमें सक्सेस देता है, अगर हम उसे इम्प्रॉपरली यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली इट विल यील्ड सम फेलियर. ओके, और हाई एंड लो प्रोडक्टिविटी में उसको करेगा एंड डिसइल्यूजनमेंट, मोटिवेशन एंड डिसइल्यूजनमेंट. सो इफ़ यू आर यूजिंग द पावर वेरी प्रॉपरली, अगर हम उसका यूज़ कर रहे हैं ना कि मिस यूज़ कर रहे हैं, तो इट विल रिजल्ट इन द सक्सेस, इट विल रिजल्ट इन हाई प्रोडक्टिविटी, इट विल रिजल्ट इन मोटिवेशन. और अगर हम पावर का मिस यूज़ करते हैं तो किस में रिजल्ट होगा, इट विल रिजल्ट इन द फेलियर, इन द लो प्रोडक्टिविटी, इन द डिसइल्यूजनमेंट. ओके, तो अगर किसी भी इंसान कोई भी पोजिशन में बैठा हुआ है जहाँ पर उसको पावर इतनी मिलती है, तो उस पावर से हमें क्या करना है कि हम उस पावर को किस तरीके से यूटिलाइज कर रहे हैं, हम उसको किस तरीके से फंक्शन कर रहे हैं, ठीक है. तो वो ज़्यादा डिपेंड करता है कि हम उसको किस तरीके से कर रहे हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करने में, ठीक है. नो, दिस इंक्लूड्स अ रिव्यू एंड एनालिसिस इन द मैनेजमेंट लिटरेचर, अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द पावर स्टाइल्स एंड रिसर्च फाइंडिंग्स ऑन द ऑप्टिमम यूज ऑफ द पावर. तो अब जब हम इस पावर को बात करते हैं कि हम इसको बहुत अच्छे से स्टडी कैसे कर सकते हैं, सो वी कैन स्टडी इट बाय अ रिव्यू एंड एनालिसिस. कि अगर हम मैनेजमेंट लिटरेचर का रिव्यू एंड एनालिसिस करते हैं, देन वी कैन गेट टू नो मच अबाउट द पावर. अगर हम उसके डिस्क्रिप्शन ऑफ द पावर स्टाइल्स के बारे में देखते हैं एंड द रिसर्च फाइंडिंग्स ऑन द ऑप्टिमम यूज ऑफ द पावर, ठीक है. सो दिस तरीके से वी आर गोइंग टू यूज द पावर. ओके, सो नाउ वील मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट वन, द नेक्स्ट पार्ट,
which is here the list of the powers that may be found in the organization. Okay, so अब हम बात करते हैं कि वो कौन सी list of the powers है जो कि हमें organization में मिलती हैं या फिर वो कौन सी चीज़ें हैं organization के अंदर जिन्हें हम as a source of power कह सकते हैं. What are those things which can actually act as a source of power in the organization? कि अगर हम principles of organization की बात करते हैं, ठीक है, तो principles of organization में वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें study करनी है. We have already done with the hierarchy, we have already done with the unity of command. Now we are learning about the power, ठीक है. तो power के बाद हमें authority, responsibility, coordination, ये सब कुछ भी देखना है. तो अगर हम इन सारे factors से principles of organizations के power को compare करते हैं, तो why power is important to be studied as a principle of organization for the organization, ठीक है. तो क्योंकि power जो है, जैसे कि हम लोगों ने बताया, it is a basic tenet of the human behavior, हाँ, और किस तरीके से ये हमारी थिंकिंग को, हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, ये तो हो गया हमारे, अगर हम एक सोशल फॉर्म में इसको देखते हैं, पावर को देखते हैं, इन्फ्लुएंस को देखते हैं, अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम देखते हैं ऑर्गेनाइजेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, कि ऑर्गेनाइजेशनल पॉइंट ऑफ व्यू में पावर का क्या रोल है, ठीक है. तो पावर का जो रोल आएगा कि ऑर्गेनाइजेशन को किस तरीके से वो इन्फ्लुएंस कर सकता है, एंड व्हाट आर दोज थिंग्स व्हिच कैन एक्चुअली एक्ट एज अ सोर्स ऑफ पावर, वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो एक ऑर्गेनाइजेशन में एज अ सोर्स ऑफ पावर एक्ट कर सकती हैं, ठीक है. सो द फर्स्ट वन इज द फॉर्मल अथॉरिटी. द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द पावर इज वेस्टेड इन द पोजिशन ऑफ द मैनेजर. अ मैनेजर हैज द सबॉर्डिनेट्स हु मस्ट डू हिज और हर बिडिंग ओनली विद इन द लीगल एंड द ऑर्गेनाइजेशनल रूल्स. ओके, तो पहला जो हमारा सिस्टम आता है वो होता है हमारा फॉर्मल अथॉरिटी का. तो जो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द पावर है जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में होता है, इट इज़ वेस्टेड इन द पोजिशन ऑफ मैनेजर. कैसे होता है इन द पोजिशन ऑफ मैनेजर? वो इस तरीके से होता है कि कोई भी एक मैनेजर है तो उसके अंडर में कुछ ना कुछ लोग होंगे, कुछ एम्प्लॉयज होंगे जो काम कर रहे होंगे. ही विल डेफिनेटली हैव सम सबॉर्डिनेट्स वर्किंग अंडर दैट मैनेजर. तो उस मैनेजर के पास ही डेफिनेटली एक ऑटोमेटिक पावर आ जाती है अपनी पोजिशन की वजह से, जिसकी वजह से वो अपने सबॉर्डिनेट्स को ये बता सकता है, ये कह सकता है कि उनको क्या काम करना है और फिर क्या काम नहीं करना है विद इन द लीगल एंड द ऑर्गेनाइजेशनल रूल्स एंड रेगुलेशंस. कि ऑर्गेनाइजेशनल रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंदर रह करके, उसकी बाउंड्री के अंदर रह करके हम किस तरीके से, उसकी अंडर बाउंड्री के अंदर रह करके हम किस तरीके से काम को करवा सकते हैं. तो मैनेजर के पास अपनी पोजीशन की वजह से एक फॉर्मल अथॉरिटी आ जाती है. वो फॉर्मल अथॉरिटी आती है अपनी पोस्ट की वजह से, ठीक है. तो मैनेजर के अंदर में सबॉर्डिनेट्स होते हैं, तो उन सबॉर्डिनेट्स के ऊपर वो अपनी एक ऑटोमेटिक पावर जो उसे पोजीशन से मिली है उसको वो यूज करता है किस लिए? काम को करवाने के लिए, टू गेट द वर्क डन इन द डिजायर्ड मैनर एंड विद इन द प्रोफॉर्मो ऑफ द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. ओके, और बेसिक एम्प्लॉयमेंट का जो ट्रांजैक्शन है वो क्या कहता है? जो बेसिक एम्प्लॉयमेंट ट्रांजैक्शन है वो ये कहता है दैट वी गिव यू मनी एंड यू आर टोल्ड टू डू यू आर सपोज टू डू एज यू आर टोल्ड. ओके, कि अगर आपको आपकी सैलरी मिलती है, अगर आपको आपका पैसा मिलता है, रेम्यूनरेशन मिलता है, सो उसके अगेंस्ट में यू आर आस्क्ड टू डू सम वर्क, और आपको कुछ काम करने के लिए कहा जाता है, ठीक है. और जब आप वो काम करते हो तो यही एम्प्लॉयमेंट का एक बेसिक टेनेंट होता है कि हाँ, आपको आपकी सैलरी मिल रही है और जैसे आपका सीनियर कहेगा आपको वैसे ही काम करना है, और जैसे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम होता है, काम चलता है, आपको उन्हीं चीज़ों को फॉलो करना है, ठीक है. तो जब हम किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हैं, चाहे वो पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन हो या फिर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो, डेफिनेटली हम वहाँ पे अपनी नहीं चला सकते हैं, हम अपने खुद के रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं फॉलो कर सकते हैं. वी हैव टू फॉलो द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट. ओके, जैसा कहा गया है हमें वैसे ही करना पड़ेगा, जैसे हमारे सीनियर्स हैं, सुपीरियर्स हैं, हमें जिस तरीके से गाइडेंस देते हैं या फिर डायरेक्शंस देते हैं, वी नीड टू फॉलो दैट टू गेट द वर्क डन. तो ये एक हमारी फॉर्मल अथॉरिटी हो गई. फॉर्मल अथॉरिटी कहाँ से आती है? उस रिस्पेक्टिव पोजीशन से आती है जो रिस्पेक्टिव पोजीशन एक मैनेजर के पास या फिर किसी भी इंसान के पास एक ऑर्गेनाइजेशन में होती है, जहाँ पे उसके अंडर में कुछ एम्प्लॉयज या फिर कुछ सबॉर्डिनेट्स काम कर रहे होते हैं. ओके, नाउ देयर आर मेनी मोर वेज दैट पावर कैन बी एक्सर्टेड एंड इन पर्टिकुलर इन मोटिवेटिंग पीपल. तो यहाँ पे कहा गया है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऐसे और भी कई सारे तरीके होते हैं जहाँ पे हम पावर को एक्सर्ट कर सकते हैं, और पर्टिकुलरली कहाँ पे कर सकते हैं? काम को मोटिवेट, लोगों को मोटिवेट करने के लिए कर सकते हैं. तो जब हमारे पास पावर है एक फॉर्मल पोजीशन की वजह से, तो उस पावर को हम सिर्फ और सिर्फ अपने सबॉर्डिनेट से काम को कंप्लीट कराने के लिए या फिर काम को विद इन टाइम लिमिट कंप्लीट कराने के लिए यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन इसके अलावा हम उतनी पावर को और
फील्ड्स में भी एक्सर्ट कर सकते हैं और लोगों को मोटिवेट भी कर सकते हैं. ओके, नाउ द नेक्स्ट वन. द नेक्स्ट वन इज द कंट्रोल ऑफ दी स्कार्स रिसोर्सेज. कि अगर हम बात करते हैं रिसोर्सेज की, या फिर हम बात करते हैं कि डेफिनेशन ऑफ द मैनेजमेंट की, ठीक है, तो मैनेजमेंट ये कहता है दैट मैनेजमेंट इज नथिंग बट द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द स्कार्स रिसोर्सेज. ठीक है, कि मैनेजमेंट की जब आप डेफिनेशन भी कई सारे बुक्स में अगर पढ़ेंगे तो क्या कहलाता है, वो कहता है कि मैनेजमेंट कुछ नहीं होता है. मैनेजमेंट का सिर्फ इतना मतलब होता है कि हमारे पास जितने भी स्कार्स रिसोर्सेज हैं, स्कार्स रिसोर्सेज का मतलब वो होता है कि वो रिसोर्सेज जो हमें बहुत मुश्किल से मिलते हैं, जो बहुत थोड़े हैं, लिमिटेड है, ठीक है, उनको हमें इफेक्टिवली यूटिलाइज करना है, इतने अच्छे तरीके से यूटिलाइज करना है कि हम अपने गोल को अचीव कर सकें. ठीक है, तो ये हमारी मैनेजमेंट की डेफिनेशन हो गई. तो इसीलिए जो रिसोर्सेज हैं, और क्योंकि रिसोर्सेज हर जगह पे, चाहे वो कोई कंट्री हो, कोई डिपार्टमेंट हो, कोई मिनिस्ट्री हो, या फिर कोई कंपनी हो, कुछ भी हो, तो वहाँ पे क्या होते हैं, रिसोर्सेज हमेशा कुछ लिमिटेड होते हैं, स्कार्स होते हैं. बहुत ज़्यादा अनलिमिटेड रिसोर्सेज किसी के पास भी नहीं होते, ठीक है. तो उन रिसोर्सेज को हमें कंट्रोल करना होता है, उन्हें ऑप्टिमली यूटिलाइज करना होता है, और ऑप्टिमली यूटिलाइज करके हम उन्हें कहाँ पहुँचाना होता है, अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल को पहुँचाने के डायरेक्शन में लगाना होता है, ठीक है. तो इसीलिए रिसोर्सेज जो है वो सबके लिए इम्पोर्टेंट है. एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर अलग अलग एम्प्लॉयज हैं या फिर अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, तो वो रिसोर्सेज सबके लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है, राइट. तो उनके ऊपर जो कंट्रोल होता है, द कंट्रोल ऑफ दी स्कार्स रिसोर्सेज, इट ऑल्सो इल्ड सम पावर. ठीक है, कि आपके हाथ में एक ऑर्गेनाइजेशन में कितनी पावर है, ये इस बात पे डिपेंड करती है, या इस बात पे निर्भर करती है कि आपके पास कितना कंट्रोल है रिसोर्सेज का. ठीक है, अदर देन डायरेक्टिंग एम्प्लॉयज, मैनेजर्स कंट्रोल बजट एंड एसेट्स एंड द अदर रिसोर्सेज दैट फर्म होल्ड्स फ्रॉम द टेक्नोलॉजी टू द पीपल. और यहाँ पे यही कहा गया है कि अगर हम मैनेजर्स की बात करते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में, तो अदर देन डायरेक्टिंग एम्प्लॉयज, कि अपने एम्प्लॉयज को डायरेक्ट करने के अलावा वो क्या करते हैं, वो बजट को और ऑर्गेनाइजेशन के एसेट्स को और रिसोर्सेज को कंट्रोल करते हैं. वो टेक्नोलॉजी को कंट्रोल करते हैं, टेक्नोलॉजी से लेकर के लोगों तक को, ये जितने भी रिसोर्सेज हैं हमारे, चाहे वो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हो, या फिर हमारा फर्नीचर हो गया, एसेट्स हो गया, लैंड हो गया, ये हो गया, या फिर कोई टेक्नोलॉजी हो, या फिर वहाँ के काम करने वाले लोग हो, जिन्हें हम ह्यूमन रिसोर्सेज बोलते हैं, तो इन सारे रिसोर्सेज पे जिसका सबसे ज्यादा कंट्रोल होगा, उसके पास उतनी ही ज्यादा पावर होगी. ठीक है, सो द कंट्रोल ऑफ द स्कार्स रिसोर्सेज, इट इल्ड द पावर, इट डिफाइंस दैट हाउ मच पावर यू होल्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन. ओके, नाउ पार्ट ऑफ दिस कंट्रोल इज द एबिलिटी टू एलोकेट दिस रिसोर्सेज टू द प्रोजेक्ट्स एंड द अदर वर्क. और एक पार्ट जो होता है इस रिसोर्सेज को कंट्रोल करने का, वो ये भी होता है कि आपके हाथ में ये पावर भी आ जाती है कि किसको कितने रिसोर्सेज एलोकेट करने हैं और किस काम के लिए. ठीक है, कि कहाँ पे कितने रिसोर्सेज आपको देने हैं. जैसे कि हमारा यूनियन बजट आता है, ठीक है, तो हम अपने यूनियन बजट में क्या देखते हैं कि इस बार हमारा डिफेंस के ऊपर कितना हो गया, इट वॉज 3% कि हमारा जो जीडीपी का बजट था, सॉरी, जो हमारा बजट था वो जीडीपी का 3% हो गया था इस बार बढ़ करके. ठीक है, तो इसी तरीके से हमने हेल्थ के ऊपर एक सर्टेन परसेंटेज को किया, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट रीजन में हमने बजट एलोकेट किया. तो ये सारा जो कंट्रोल था किसके हाथ में था, ये फाइनेंस मिनिस्ट्री के हाथ में था. ठीक है, तो डेफिनेटली फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास काफी ज्यादा पावर आ गई. क्यों? क्योंकि फाइनेंस मिनिस्ट्री अपना बजट लेकर के आए, उन्होंने ये बताया कि ये डिपार्टमेंट्स हैं, ये मिनिस्ट्रीज हैं, और हमने यहाँ पे बजट का इतना इतना एलोकेशन दिया है. तो इसके अलावा भी ऐसा होता है कि कई सारे डिपार्टमेंट्स हैं, कई सारे स्टेट्स हैं, जो हमेशा ये कहते रहते हैं कि हमें उतना नहीं मिला रिसोर्सेज जितना हमने रिक्वायर्ड था, या फिर जितना हमने मांगा था, जिसकी वजह से हमारा काम डिजायर्ड वे में नहीं हो पाता है. ठीक है, तो हम क्या कहते हैं कि अ पार्ट ऑफ दिस कंट्रोल ये भी आता है कि कहाँ पे कितने रिसोर्सेज को कौन कौन से प्रोजेक्ट्स के लिए एलोकेट करना है. ओके, नाउ इट इज नॉट अनसरप्राइजिंग दैट मेनी ऑफ द पॉलिटिकल बैटल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन इज ओवर द कंट्रोल ऑफ द रिसोर्सेज एंड एम्पायर बिल्डिंग विच ओवरलुक्स द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स ओवर विनिंग एंड लूजिंग द रिसोर्सेज. ओके, फिर कहा जाता है कि ये अनसरप्राइजिंग नहीं होता है कि काफी सारे ऑर्गेनाइजेशंस में कुछ पॉलिटिकल बैटल्स चलते रहते हैं. ओके, और ये पॉलिटिकल बैटल्स किस लिए होते हैं? ये पॉलिटिकल बैटल्स होते हैं ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेज को होल्ड करने के लिए. ठीक है, कि हमारे पास में ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेज हो ताकि हम अपने काम को ज्यादा बेहतर ढंग से कर सकें, हमारे जो कंट्रोल है रिसोर्सेज के ऊपर वो ज्यादा हो. इस चीज के लिए अक्सर हर ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो या फिर वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो, इस बात को लेकर एक बैटलफील्ड चलती रहती है. हाँ, जिसको ओके और ये जो चीज आती है वो किस चीज की कॉस्ट पे आती है? नो, इट कम्स एट द कॉस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स. कि लोग जब अपनी ज्यादा से ज्यादा एनर्जी, ज्यादा से ज्यादा जो अपना एफर्ट है,
वो सोर्सेज को पाने में ज्यादा लगाते हैं rather than कि जितने रिसोर्सेज उनके पास हैं उनको ऑप्टिमली यूटिलाइज करके अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने में. तो क्या होता है, तो ये होता है कि विच ओवरलुक्स द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स ओवर विनिंग एंड लूजिंग द रिसोर्सेज. कि रिसोर्सेज को पाने और खोने के चक्कर में जो उनका मेन एम है, और उनका मेन एम है अपनी ऑर्गेनाइजेशनल के गोल को अचीव करना, वो कहीं ना कहीं हैम्पर हो जाता है, वो कहीं ना कहीं एक बैक सीट पे चला जाता है बिकॉज पीपल आर मोर बिजी इन गेटिंग मोर द रिसोर्सेज इन दैट फाइट. ठीक है, तो ये एक थोड़ी सी अनवांटेड सी सिचुएशन हो जाती है एक ऑर्गेनाइजेशन में. हमें इस सिचुएशन को थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए. ये बात ठीक है कि जिस इंसान का या फिर जिस डिपार्टमेंट का रिसोर्सेज के कंट्रोल पे जितना ज्यादा अधिकार होगा उसके पास उतनी ज्यादा पावर होगी, लेकिन इफ पीपल एंड द डिपार्टमेंट्स दे केप्ट ऑन फाइटिंग ऑन विनिंग और लूजिंग द रिसोर्सेज, तो वो किसके कॉस्ट पे आएगा? वो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को टाइमली इफेक्टिवली अचीव करने के कॉस्ट पे आएगा. ठीक है, नाउ वी मूव टू द थर्ड वन. सो थर्ड वन इज यूज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज. यूज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल सॉरी थर्ड वन इज यूज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर रोल्स एंड द रेगुलेशंस. तो तीसरा आता है हमारा कि हम किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को रूल्स एंड रेगुलेशन, सॉरी यहाँ पे रोल्स नहीं होगा रूल्स होगा, उसको हम कितने अच्छे ढंग से यूज कर सकते हैं. नाउ द ऑर्गेनाइजेशंस दे हैव द हायरार्कीज, बट ऑब्वियसली डिपार्टमेंट्स टीम्स एंड अदर स्ट्रक्चर्स ऑफन ईच विद इट्स ओन रूल्स एज वेल एज रूल्स दैट गवर्न द एक्शन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल. नो ऑर्गेनाइजेशंस के पास हायरार्की होती है, जो हमने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में पढ़ा था कि किस तरीके से हायरार्की होती है, वो अलग अलग स्ट्रक्चर्स को डिफाइन करती है. ठीक है, फिर है डिपार्टमेंट्स होते हैं अलग अलग, अलग अलग टीम्स होती हैं, और ये हर एक जो स्ट्रक्चर है उसके अपने कुछ पर्टिकुलर रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जिसको ये फॉलो करते हैं, जिसकी वजह से इनके एक्शंस चलते हैं. ठीक है, नाउ द मेनी पीपल दे डू नॉट नो ऑल दीज रूल्स विच मेक्स देम एज अ सोर्स ऑफ पावर फॉर दोज हु टेक केयर ऑफ टाइम टू लर्न देम इन डिटेल. ओके, नाउ अब ये आते हैं कि हर एक डिपार्टमेंट का और हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अपने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं. सो बट ऑब्वियसली हर इंसान जो हर एम्प्लॉय है उस ऑर्गेनाइजेशन का, ही इज नॉट वेरी वेल वर्स विद ऑल दीज रूल्स एंड रेगुलेशंस. ठीक है, बट जो लोग अपनी ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स एंड रेगुलेशन से बहुत अच्छे से वाकिफ होते हैं, बहुत अच्छे से वेल वर्स्ड होते हैं उसमें, तो उनको एक पावर मिलती है. ठीक है, कैसे? इस तरीके से कि अगर वो प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस को जानते हैं तो वो डेफिनेटली दूसरों को रोक सकते हैं किसी भी काम को ऐसा करने में जो रूल्स एंड रेगुलेशंस के अगेंस्ट में जाता है. तो ये चीज हम ज्यादा से ज्यादा कहाँ पाते हैं? हम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में ज्यादा पाते हैं, बिकॉज गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो है वो बहुत ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करता है. वहां पे जो आपके रूल्स हैं, टर्म्स हैं, पॉलिसीज हैं, वो बहुत ज्यादा नंबर्स में लिखे होते हैं. एंड बट ऑब्वियसली हर एम्प्लॉय जो एक नॉर्मल एम्प्लॉय होता है वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के सारे रूल्स को रट तो नहीं सकता. ठीक है, लेकिन जो इंसान जिसको इन रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में बहुत ज्यादा पता होता है या फिर दूसरों से ज्यादा पता होता है, तो वो डेफिनेटली उसके लिए एक पावर का टूल की तरह काम करता है. ठीक है, सो इट बिकम्स अ सोर्स ऑफ पावर फॉर दैट पर्सन who knows how to get well versed with all these rules and regulations and the organization structure. तो क्या हो सकता है कि वो the power can also be gained from quoting rules that exist. तो power इस तरीके से भी वो gain कर सकता है कि जो rules already exist कर रहे हैं उनको वो quote कर दे, उनको बताए कि नहीं यहाँ पे ये rules होते हैं, ये काम इस rule के हिसाब से होना चाहिए, otherwise नहीं होगा, या फिर यहाँ पे हम अपने organizational structure को surpass कर रहे हैं. Okay, तो in this way also a person can assume power who is very well who is very well versed with the organizational structure and the rules and regulations. Now moving ahead, which is the fourth one. This is the control of the decision process. कि क्या होता है अगर decision process है, तो अगर जितने भी काम होते हैं हमारे organization में वो कैसे होते हैं, because हमें उन पर decisions लेना पड़ता है. काम क्या होगा, work is selected and resources are allocated by the decisions, many of which are decided in some form by the group of the people. ठीक है, तो सबसे पहले काम को सेलेक्ट किया जाता है, फिर रिसोर्सेज एलोकेट किया जाता है, और ये सब काम होता कैसे है, डिसीजन प्रोसेस के थ्रू. ठीक है, कि डिसीजन लिए जाते हैं कौन सा काम सेलेक्ट करना है, कौन से रिसोर्सेज कहाँ पे एलोकेट करने हैं, और ये सारे डिसीजन मोस्टली किससे लिए जाते हैं, ग्रुप फॉर्म में लिए जाते हैं. ठीक है, कोई एक सिंगल, कभी कभी एक सिंगल पर्सन लेता है, कभी कभी मोस्टली ग्रुप लेता है. ठीक है, बाय मैनेजिंग हाउ द डिसीजन आर मेड, फॉर एग्जाम्पल बाय रिक्वायरिंग द कंसेंसस or the senior manager sign off, power of some people may be curtailed whilst others gain ability to shape the decisions. ठीक है, तो जब हम बात करते हैं कि control of the decision process, कि जिस इंसान के हाथ में decision process का control है उसके हाथ में definitely बहुत ज्यादा power है. ठीक है,
ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे डिसीजंस लिए जाते हैं, वो सारे के सारे डिसीजंस जनरली एक ग्रुप से लिए जाते हैं, ठीक है। तो वो इंसान जो उस ग्रुप के डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करता है, या तो उस ग्रुप का जो डिसीजन है वो कंसेंसस से लिया जाए। कंसेंसस का मतलब ये होता है कि मानिए अगर एक ग्रुप में 5 लोग हैं, तो 5 के 5 अपनी पूरी सहमति से, अपने पूरे कंसेंट से अगर किसी चीज़ के लिए हाँ कहते हैं तो उसे कहते हैं कंसेंसस, यानी कि मेजॉरिटी ऑफ द लोग जो हैं वो उस चीज़ के लिए हाँ में भरते हैं, दे हैव गिवन देयर कंसेंट, ठीक है। या फिर सीनियर मैनेजर साइन ऑफ, या फिर जो आपका सीनियर मैनेजर है वो साइन ऑफ करके आपको कोई डिसीजन देता है, तब होता है। तो इसमें क्या होता है कई बार कि कुछ लोगों की जो पावर होती है वो थोड़ी सी कम कर दी जाती है, कर्टेल कर दी जाती है, या फिर कर्टेल्ड होगा, ओके, थोड़ा सा टाइपोज हो जाता है, सो प्लीज़ अवॉइड इट। With the others gain ability to shape the decisions, जबकि बाकी लोग जो हैं उनको ज़्यादा पावर मिल जाती है क्योंकि उनका ज़्यादा रोल हो जाता है डिसीजन को शेप करने में, दे गेन द एबिलिटी, ठीक है। तो बात आती है यहाँ पे डिसीजन प्रोसेस की, वो लोग जिनके हाथ में डिसीजन प्रोसेस का ज़्यादा कंट्रोल होता है उनके पास में ज़्यादा पावर होती है। ये भी एक तरीके की पावर है एक ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, इट इज़ अ काइंड ऑफ पावर विच सम पीपल होल्ड। और अगर कोई ग्रुप डिसीजन लिया जाता है तो उस ग्रुप डिसीजन में जिस इंसान की पावर्स थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाती हैं उसके पास, सॉरी, वो ग्रुप डिसीजन में जिस इंसान की बात ज़्यादा मानी जाती है उसके पास ज़्यादा पावर हो जाती है, ठीक है। When decisions are made in committee, the person chairing it holds the notable power. और जब ये decisions जो है वो committee form में लिए जाते हैं तो वो इंसान जो इन committee को वो कर रहा है, when decisions are made in the committee, the person chairing it holds the notable power. कि जब कोई इंसान, जब कोई decision जो है वो committee में लिया जाता है तो वो इंसान जो इस कमेटी को चेयर कर रहा है, जो उसका चेयरपर्सन बना हुआ है, उसके पास काफ़ी ज़्यादा पावर होती है। दैट पर्सन होल्ड्स द नोटेबल पावर विच इज़ बट ऑब्वियसली, कि कई बार ऐसे होते हैं कि हम लोगों ने श्री कृष्ण कमेटी बनाई गई थी तेलंगाना इशू के ऊपर, फिर कृष्णा वाटर डिस्प्यूट्स के ऊपर भी कमेटीज़ बनाई गई थी, और अभी हम NPA का इशूज़ देखते हैं तो NPA के इशूज़ के ऊपर भी कमेटी बनाई गई है। तो हर उस कमेटी का जो चेयरपर्सन होता है उसके पास में काफ़ी ज़्यादा नोटेबल पावर होती है, ठीक है। सो डिसीजन प्रोसेस को कंट्रोल करने के मामले में भी पावर का इस्तेमाल होता है, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन इज द कंट्रोल ऑफ द नॉलेज एंड पावर। कि अगर हम कंट्रोल ऑफ नॉलेज एंड पावर की बात करते हैं कि किस तरीके से आपका जो है नॉलेज एंड पावर का कंट्रोल भी काम करता है पावर को अचीव करने में। द नॉलेज इज पावर एंड हाउ यू गैदर इट एंड डिस्ट्रीब्यूट इट एज अ सोर्स ऑफ पावर, वेदर इट इज टेक्निकल और सोशल। कि जो नॉलेज है वो डेफिनेटली इट इज अ सोर्स ऑफ पावर, ठीक है। आप नॉलेज को किस तरीके से गैदर करते हो, आप उसे कहाँ से अचीव करते हो, या फिर आप उसको किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करते हो, ये भी आपका एक सोर्स ऑफ पावर बन जाता है, चाहे आपके पास वो नॉलेज टेक्निकल हो या फिर आपकी वो नॉलेज सोशल हो, ठीक है। तो अगर कोई इंसान है वो काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल है, उसके पास काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है, उसके ऊपर नॉलेज का कंट्रोल है, तो उसके पास एक पावर होगी, राइट। तो वो ऑर्गेनाइजेशन में इंसान ऑब्वियसली ज़्यादा पावरफुल होगा जो ज़्यादा नॉलेजेबल होगा। अगर हम किसी यूनिवर्सिटी, किसी इंस्टीट्यूट की बात करें, ठीक है, तो वहाँ पे कोई ऐसा प्रोफेसर है जिसके पास अपने कंटेम्प्रेरी प्रोफेसर से काफ़ी ज़्यादा नॉलेज होती है, तो डेफिनेटली काफ़ी सारे मामलों में उस इंसान से राय मशवरा लिया जाता है, उससे बात की जाती है, ठीक है। वाई? बिकॉज दैट पर्सन इज़ वेरी नॉलेजेबल, राइट। अभी भी रिसेंटली क्या हुआ था, मैंने एक वीडियो देखा था, ठीक है, तो वो नितिन गडकरी के ऊपर था, एंड नितिन गडकरी इज ऑल्सो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो वहाँ पे जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स थे उनके सामने वो स्पीच दे रहे थे, और वो स्पीच इसलिए थी बिकॉज ही वॉज टेलिंग अदर पीपल कि आप अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में कैसे कैसे और बेटर परफॉर्म कर सकते हो विद द अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी एंड द अप्रोप्रिएट लीडरशिप, हाउ कैन यू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट्स उन्हीं लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ में। किस तरह से आप अगर आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करते हो, आप नई नई चीज़ों को लेकर के आते हो, चाहे वो वेस्ट मैनेजमेंट में हो, या फिर लोगों को रोजगार देने के चक्कर में हो, या फिर सड़क बनाने के चक्कर में हो, तो काफ़ी सारी चीज़ों में आप कर सकते हो, ठीक है। तो वाई नितिन गडकरी वॉज गिविंग दैट स्पीच, बाकी जितने भी MPs बैठे हुए थे उनको वो क्यों बता रहे थे, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल थे, और अगर आप उनकी वो स्पीच सुनेंगे तो आप वाकई में इस बात को मानेंगे किस तरीके से हम नई नई टेक्नोलॉजी को या फिर एक आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग को यूज़ करके हम काफ़ी सारा काम कर सकते हैं, एंड विद इन 5 years हम 5 साल के अंदर भी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे उनके पास क्या था, यहाँ पे उनके पास नॉलेज का कंट्रोल है, ठीक है, ही इज़ अ वेरी नॉलेजेबल पर्सन एंड दैट्स वाई ही वॉज होल्डिंग अ पावर, और इसीलिए वो वहाँ पे बाकी के भी अपने सारे के MPs को क्या कर रहे थे, एक स्पीच दे रहे थे, उनको बता रहे थे कि आप कैसे अपने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए कुछ कर सकते हो, ठीक है।
Now, the experts often work in this way, protecting their elevated status by hiding the sources of their knowledge and exacting the high prices for their learned opinions. Now, experts. If we talk about experts, what are the experts? They are very knowledgeable in their fields. If we have any work, we don't know how to do it, then what do we do? That the experts are related to this work, their team will come. So, their team will come and see the work. तो वो अपनी नॉलेज की वजह से इनको एक अपर हैंड मिलता है, उनके पास एक पावर होती है, ठीक है. और अक्सर क्या होता है कि जो एक्सपर्ट्स होते हैं, ये जो है अपनी एलिवेटेड स्टेटस को बचाए रखने के लिए जो इनका सोर्स ऑफ पावर होता है, जहां से ये अपनी नॉलेज को गेन करते हैं, वो अक्सर रिवील नहीं करते हैं, नहीं बताते हैं, ठीक है. क्यों? क्योंकि अगर उन्होंने अपना सोर्स ऑफ नॉलेज बता दिया सबको तो वो कॉमन हो जाएगा, एवरीबॉडी विल बिकम एन एक्सपर्ट, एवरीबॉडी विल बिकम नॉलेजेबल, तो फिर उनकी वैल्यू नहीं रह जाएगी. तो फॉर एग्जैक्टिंग हाई प्राइसेस फॉर देयर लर्नड ओपिनियंस, अपने लर्नड ओपिनियंस के लिए अच्छे प्राइसेस पाने के लिए दे हाइड देयर सोर्सेज ऑफ नॉलेज एंड दे केप्ट ऑन यूजिंग द कंट्रोल ऑफ देयर नॉलेज टू अज्यूम पावर. ठीक है, तो अगर हम कंट्रोल ऑफ नॉलेज एंड पावर की बात करते हैं, देन इट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ अ पावर इन द ऑर्गेनाइजेशन. नाउ मूविंग अहेड, द नेक्स्ट वन इज द कंट्रोल ऑफ द बाउंड्रीज. द स्ट्रक्चर एंड द ग्रुप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आर ओनली बिकॉज दे आर बाउंड्रीज विच पीपल क्रॉस इन ऑर्डर टू एक्सेस द रिसोर्सेज एंड मीट पीपल. कि अगर हम बात करते हैं कि कंट्रोल ऑफ द बाउंड्रीज, कि किस तरीके से बाउंड्रीज को कंट्रोल करना है, कि जो स्ट्रक्चर है और ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या होता है, उसमें काफी सारी अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, अलग अलग बाउंड्रीज होते हैं जो लोग अक्सर क्रॉस करते हैं एक दूसरे के रिसोर्सेज को मीट करने, सॉरी एक दूसरे के रिसोर्सेज को पाने के लिए, एक्सेस करने के लिए और लोगों से मिलने के लिए. ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन है उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स है, तो ऐसा तो नहीं होता है कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लोग एक दूसरे से कभी बात नहीं करते हैं या फिर एक दूसरे के रिसोर्सेज को, उनकी फाइल्स को, उनके सिस्टम्स को, उनकी टेक्नोलॉजी को एक्सेस नहीं करते. दे करते हैं, डेफिनेटली दे डू इट. सो यहाँ पे होता है कि वो एक दूसरे की बाउंड्रीज को कई बार जो है वो क्रॉस करते रहते हैं. ठीक है, अब यहाँ पे क्या आता है कि कंट्रोल ऑफ द बाउंड्रीज, किस इंसान के हाथ में है इन बाउंड्रीज का कंट्रोल, कि आप एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में भी, या फिर आप एक इंसान से दूसरे इंसान से मिल सकते हो या नहीं मिल सकते हो, या फिर आप इस तरीके की रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकते हो नहीं कर सकते हो, ये जिसके हाथ में होता है उसके हाथ में भी काफी पावर होती है. ठीक है, अब होती किसके हाथ में है. Now, for example, an executive personal assistant may have disproportionate power and ability to allow the access or not to the executive. कि अगर हम एक PA की बात करते हैं, personal assistant की, अक्सर सारे ministers के पास में PA होते हैं उनके, ठीक है, तो उनके पास में काफी ज्यादा power होती है कि किसको appointment देना है या किसको appointment नहीं देना है किसी minister से मिलने के लिए. ठीक है, तो वो अपनी जो disproportionate power है उसका इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, हालांकि वो होते सिर्फ पर्सनल असिस्टेंट ही है, मिनिस्टर होता है जिसको सारा काम करना होता है, बट स्टिल वो बाउंड्री डिसाइड करते हैं कि आप उस इंसान को एक्सेस कर सकते हो या नहीं कर सकते हो. दूसरा जो बहुत ही फनी एग्जांपल है वो ये है कि लाइक फॉर इंस्टेंस सिक्योरिटी गार्ड्स, हमने देखा होगा कि अक्सर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में होता है कि जो सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं या फिर पीएंस वगैरह होते हैं, ठीक है, उनके हाथ में इस मामले की काफी ज्यादा पावर होती है. अगर आप सचिवालय में चले जाएं तो वहां पर भी अगर एक पीएन है और अगर उसने नहीं चाहा कि आप वहां जा सकते हैं, अंदर आप काम कर आ सकते हैं अपना, तो फिर आप लॉक कर लीजिए, आपका काम नहीं बनेगा. ठीक है, तो ये वो लोग होते हैं जिनकी सैलरी तो बहुत कम होती है, जिनकी पोजीशन तो इतनी ज्यादा नहीं होती है, बट सम हाउ दे कंट्रोल द बाउंड्रीज एंड हेंस दे अज्यूम अ लॉट ऑफ पावर इन द ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन इज द एबिलिटी टू कोप विद द अनसर्टेनिटी. नाउ कि अब कितनी अनसर्टेनिटी है या नहीं है, उसके साथ कोप करने की आपके अंदर काबिलियत है या नहीं है. कि देखिए, अनसर्टेनिटीज हर जगह रहती हैं. ठीक है, एवरी सिचुएशन, एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज फुल ऑफ द अनसर्टेनिटीज. अब किस इंसान के पास कितनी एबिलिटी है उसको झेलने की या नहीं है, तो ये आपको काफी ज्यादा पावर दे सकता है. सो क्वाइट डिफरेंस ऑफ पावर इज पर्सनल रेजिलियंस, द एबिलिटी टू हैंडल द अनसर्टेनिटी एंड स्ट्रेस दैट माइट डेबिलिटेट द अदर्स. कि एक क्वाइट डिफरेंस ऑफ पावर होता है, हम बात करते हैं पर्सनल रेजिलियंस, किसी अनसर्टेनिटी को हैंडल हम किस तरीके से कर सकते हैं, या फिर कोई ऐसी सिचुएशन है, कोई ऐसा स्ट्रेस है जिसको हम झेल सकते हैं, जो दूसरे लोग नहीं झेल सकते, जो दूसरे लोगों को काफी ज्यादा कमजोर कर देगा, वीक कर देगा. बट ऑन दी अदर हैंड, अगर कुछ लोग ऐसे हैं जिनका पर्सनल रेजिलियंस, जिनका रेजिलियंट पावर इतना ज्यादा है कि वो किसी भी अनसर्टेनिटी वाली सिचुएशन को, किसी भी स्ट्रेस को झेल सकते हैं एंड दे कैन कम आउट विक्टोरियस, तो डेफिनेटली उस ऑर्गेनाइजेशन में काफी ज्यादा पावर उनको मिल जाता है और उनको बेटर चांसेस मिलते हैं और ऊपर बढ़ने के. ठीक है, सो सच पीपल कैन गेन पोजिशन बाय टेकिंग अ वर्क दैट अदर्स फियर. तो यहाँ पे यही बात की गई है कि ऐसे लोग जो है वो कई सारी पोजिशन को गेन कर सकते हैं ऐसे काम को लेकर के जो काम करने से दूसरे लोग डरते हैं. जो काम करने से दूसरे लोग डर रहे हैं, अगर आप वो काम करेंगे
तो डेफिनेटली आप उस ऑर्गेनाइजेशन में पोजीशन गेन करेंगे और आपका जो रास्ता है फॉर द अपवर्डली मोबाइल गो गेटर्स हु सीक अर्ली प्रमोशन, कि ऐसे लोग जो बहुत अर्ली प्रमोशन चाहते हैं, जो अपवर्डली मोबाइल गो गेटर्स होते हैं, ठीक है, जिनको लाइफ से बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी चाहिए होता है, तो ऐसे लोगों के लिए ये रास्ता बहुत आसान हो जाता है. बिकॉज अगर आप कोई रिस्क वाला काम करते हैं, आप कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें लोग जल्दी हाथ नहीं डालना चाहते, ज्यादा काम नहीं करना चाहते, और वो काम करके इफ यू कम आउट विक्टोरियस, तो फिर आपका जो चांसेस हैं ऊपर बढ़ने के ऑर्गेनाइजेशन में वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं. ओके, नाउ द कंट्रोल ऑफ द टेक्नोलॉजी. सो द 8th पॉइंट इज द कंट्रोल ऑफ टेक्नोलॉजी. कंट्रोल ऑफ टेक्नोलॉजी जिसके हाथ में होती है वो भी एक तरीके का पावर है, ठीक है. सो टेक्नोलॉजी इज एन इनेबलर प्रोवाइडिंग डेटा एनालिसिस इन्फॉर्मेशन एंड द अदर बेनिफिट्स. की टेक्नोलॉजी बेसिकली क्या है, कि टेक्नोलॉजी जो है वो हमारे लिए एक इनेबलर का काम करता है, ठीक है. वो हमें डेटा देता है, डेटा को एनालाइज करता है, इन्फॉर्मेशन देता है, बाकी और सारे भी बेनिफिट्स रहते हैं. अगर हम आज की सोसाइटी में देखें तो एवरीवेयर टेक्नोलॉजी इज प्रेवलेंट, चाहे वो मेडिसिन हो, डिफेंस हो, एजुकेशन हो, या फिर हमारे घर में हो, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हो, ट्रैफिक सिग्नल्स हो, जो कुछ भी हो, सो टेक्नोलॉजी इज प्रेवलेंट एवरीवेयर. तो टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा है तो ऑर्गेनाइजेशन में भी, बट ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. तो दोज़ हु कंट्रोल व्हाट टेक्नोलॉजी इज यूज्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन हु गेट्स द लेटेस्ट कंप्यूटर एंड द सॉफ्टवेयर हैज अ सिग्निफिकेंट पावर एंड पर्सन हु इज द आईटी मैनेजर मे नाउ बी द चीफ इन्फॉर्मेशन ऑफिसर. ओके, तो अब यहाँ पे ये कहा गया है कि कौन सी टेक्नोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन यूज कर रहा है, किसके पास एक्सेस है लेटेस्ट कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी का या नहीं है, तो वो उस इंसान के पास काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट पावर होती है जो ये डिसाइड करता है कि हमें कौन सी टेक्नोलॉजी किसको देनी है, कौन सा लेटेस्ट सॉफ्टवेयर, कौन सा लेटेस्ट कंप्यूटर सिस्टम हमको कहाँ भी पहुंचाना है. और वो इंसान जो कल तक सिर्फ एक आईटी मैनेजर था, अगर वहां पे ऐसे कम लोग हैं जिनके पास इतनी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स है या फिर इतनी टेक्नोलॉजिकल नॉलेज है, तो वो इंसान आईटी मैनेजर से बहुत जल्दी एक चीफ इन्फॉर्मेशन ऑफिसर भी बन जाएगा. क्यों? क्योंकि उसके पास टेक्नोलॉजी का कंट्रोल है, टेक्नोलॉजी की नॉलेज है, तो हेंस उसके पास एक पावर है, ठीक है, जो बाकियों के पास नहीं है, जो बाकियों से अलग करती है एंड हेंस उसे अपने प्रमोशन के लिए जल्दी इनेबल करती है. नाउ हैविंग द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इज इन अपर हैंड एंड हैविंग मोर इन्फ्लुएंशियल. एंड ऑल्सो अगर आपके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है तो वो आपको एक अपर हैंड देती है, ठीक है, कि बाकी लोगों से आप ऊपर माने जाओगे, आपको एक बेटर पोजीशन मिलेगी, आपको बेटर रिकॉग्निशन मिलेगा और आप बाकी लोगों से ज्यादा इन्फ्लुएंशियल भी होगे, ठीक है. सो कंट्रोल ऑफ टेक्नोलॉजी बेसिकली हमारा क्या काम करती है, सो कंट्रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इट वर्क्स एज अ सोर्स ऑफ पावर. ओके, नाउ द इंटरपर्सनल अलायंसेस. So in case of the interpersonal alliances, what we do, we naturally help our friends and who helped us in the past become our friend or the network. अगर हम interpersonal alliances की बात करते हैं तो but obviously जो हमारा human nature है, we are social by nature, ठीक है, हमें लोगों से घुलना मिलना, लोगों से बातें करना हमें काफ़ी अच्छा लगता है and we always tend to intermingle with the people. हमें लोगों से इंटरेक्ट करना काफ़ी अच्छा लगता है, एक नेटवर्क बनाना अच्छा लगता है. और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो इंटरपर्सनल रिलेशंस हैं, जो इंटरपर्सनल अलायंसेज हैं, ह्यूमन टू ह्यूमन कॉन्टैक्ट है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. वो लोग जिनका नेटवर्क या फिर जिनका फ्रेंड सर्कल, जिनका ग्रुप काफ़ी बड़ा होता है, ऑब्वियसली उनके पास काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स की, काफ़ी सारी जगहों की इन्फॉर्मेशन होती है, नॉलेज होती है. तो ये सारी की सारी नॉलेज उन्हें क्या देती है, वो उनको सिग्निफिकेंटली ज़्यादा पावर देती है. क्यों? क्योंकि उनको पता है कि अलग अलग डिपार्टमेंट में जो अलग अलग लोग बैठे हुए हैं वहाँ पे एग्जैक्टली क्या हो रहा है. क्यों? क्योंकि उनका नेटवर्क बहुत ज़्यादा है. उनका नेटवर्क क्यों ज़्यादा है? क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा इंटरपर्सनल अलायंसेज में बिलीव करते हैं, उनका ह्यूमन टू ह्यूमन कॉन्टैक्ट काफ़ी ज़्यादा है. ओके, नो इट इज टाइम इन द स्मोकिंग इज अलाउड इन द स्पेशियस स्मोक रूम्स एंड पीपल मेक अ क्लब देयर. ओके, अब यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग से एक एग्जाम्पल है कि अब अगर हम ऑर्गेनाइजेशंस की बात करते हैं, स्पेशली प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में, एंड इफ देयर आर पीपल जो स्मोक करते हैं, तो अब आपको क्योंकि रूल बन चुका है आप पब्लिकली कहीं पर भी स्मोक नहीं कर सकते हो, इट इज एन ऑफेंस. तो उसके बाद आप क्या कर सकते हो, आप मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन में स्मोक रूम्स पर्टिकुलरली बनाए गए हैं. अगर आप लोगों ने बिग बॉस सीरियल देखा होगा, बिग बॉस में भी देखा होगा, वहां पे भी अलग से एक स्मोक रूम होता है, ठीक है, बिकॉज यू कैन नॉट स्मोक पब्लिकली. तो वहां पे अक्सर क्या होता है, वो सारे के सारे लोग जो स्मोक करने जाते हैं, दे फॉर्म अ ग्रुप ओवर देयर. वो उनका अपना ही अलग एक इनफॉर्मल ग्रुप बन जाता है बिकॉज वो सभी सुट्टाबाज होते हैं, ठीक है.
तो वो सारे लोग जो वहां पे एक इनफॉर्मल से ग्रुप बना लेते हैं, एक अपने क्लब बना लेते हैं, तो उनका जो एक टर्म है पर्सन टू पर्सन, उनका जो अपना एक इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है, ठीक है। और वो लोग जरूरी नहीं है कि उसमें से कोई सीनियर भी हो सकता है, कोई जूनियर भी हो सकता है, कोई दूसरे डिपार्टमेंट का भी हो सकता है, कोई कंपनी में काफी अच्छी पोजीशन पे भी हो सकता है, कोई एचआर मैनेजर भी हो सकता है, या फिर अगर हम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स की बात करें तो हो सकता है आपकी मुलाकात कभी सेक्रेटरी से भी हो जाए, या फिर आपके किसी नॉर्मल क्लर्क भी हो सकते हैं वहां पे, कोई बाकी का जो मैनेजर है, रजिस्ट्रार वगैरह, कोई भी आ सकता है, ठीक है। तो वहां पे उन लोगों का अपना एक पर्टिकुलर क्या बन जाता है, एक ग्रुप बन जाता है, ठीक है। तो उस ग्रुप से उनको ये फायदा होता है कि उनको हर डिपार्टमेंट में कहाँ पे क्या क्या हो रहा है उसकी एक पहुंच है, उसकी एक जानकारी है, वो उनको मिल जाती है। एंड हेंस दीज थिंग्स इट मेक्स देम रियल पावरफुल इन द ऑर्गेनाइजेशन, इनके लिए एक पावर का टूल की तरह एक्ट करता है, ठीक है। नाउ द टेंथ वन इज द कंट्रोल ऑफ द काउंटर ऑर्गेनाइजेशन। तो अब जब हम काउंटर ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो क्या होता है कि नॉट फॉर एवरी ऑर्गेनाइजेशन देर इज इक्वल एंड ऑपोजिट काउंटर ऑर्गेनाइजेशन। कि अगर हम बात करते हैं काउंटर ऑर्गेनाइजेशन की, तो हर ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट में काउंटर ऑर्गेनाइजेशन उतना ही इक्वली ऑपोजिट नहीं होता है, लेकिन जब बिजनेस की बैटल फील्ड की बात होती है तो वहां पे काफी सारी चीजें आती रहती है। जैसे जैसे इट इंक्लूड्स द लोकल ऑपोजिशन टू द फैक्ट्री एक्सपेंशन, ट्रेड यूनियन सीकिंग एवर इंक्रीजिंग पे एंड बेनिफिट्स एंड सो ऑन, ठीक है। कि अगर कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है तो उस ऑर्गेनाइजेशन में काफी सारे जो डिफिकल्टीज हैं, काफी सारे जो चैलेंजेस हैं वो अकर करते रहते हैं, ठीक है। तो उन चैलेंजेस में कौन कौन से चैलेंजेस हैं जो और अकर हो सकते हैं? वन इज द फैक्ट्री एक्सपेंशन, जिसका बहुत बड़ा हमारा एग्जांपल था, जो टाटा नैनो अपनी फैक्ट्री लगाने जा रहा था वेस्ट बंगाल में, ठीक है। तो वहां पे क्या हुआ था, वहां पे एक मास स्केल पे एजिटेशन हुआ था अंडर द लीडरशिप ऑफ ममता बैनर्जी, जिसकी वजह से टाटा नैनो को अपनी वहां पे जो ऑलरेडी उनकी फैक्ट्री स्टैब्लिश हो चुकी थी उसको छोड़ करके वापस उनको गुजरात जाना पड़ा था, गुजरात में अपनी फैक्ट्री लगानी पड़ी थी। ऑल्दो उनका जो काम था वो अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना था, अपने बिजनेस को एक्सपैंड करके वहां के लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना था, वहां के इकोलॉजी को बेटर बनाना था, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, क्यों? क्योंकि वहां पे जो वहां के लोकल ऑपोजिशन थे उन्होंने काफी ज्यादा एजिटेट किया, जिसकी वजह से ये काम सक्सेसफुल नहीं हो पाया और उनको करोड़ों का नुकसान हुआ, ठीक है। तो ये क्या था, वो उनके बिजनेस के लिए बहुत ही बड़ा एक काउंटर ऑर्गेनाइजेशन बन चुका था जो उनके अगेंस्ट था, उनके ऑपोजिट था, ठीक है। दूसरा आता है हमारा ट्रेड यूनियंस, द ट्रेड यूनियंस दे आर सीकिंग एवर इंक्रीजिंग पे एंड बेनिफिट्स एंड सो ऑन। ओके, तो जब हम आजादी के पहले आजादी के बाद की बात करते हैं तो काफी सारे हमारे ट्रेड यूनियंस आए थे, ठीक है। 1940s के टाइम से ही जो ट्रेड यूनियंस का बनने का ये जो टाइम था वो काफी ज्यादा मतलब उनके लिए सूदिंग था, मतलब फेवरेबल टाइम था उनके लिए। लेकिन तब के टाइम पे ये था बिकॉज जो ब्रिटिश कंपनीज थी, जो उनकी फैक्ट्रीज वगैरह थी, वो जो अपने यहाँ के वर्कर्स थे उनके लिए बहुत अच्छे से काम नहीं करते थे उनके बेनिफिट्स वगैरह के लिए, ठीक है। तो ट्रेड यूनियंस बनने लगे, जैसे कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस वगैरह, ठीक है। बट कभी कभी ये जो ट्रेड यूनियंस होते हैं वो अपने कुछ बेसिक जो अपने कुछ पिटी गेन्स होते हैं उनके लिए भी किए जाते हैं, कभी कभी काम को रोकने के लिए भी किए जाते हैं, ठीक है। मतलब हमेशा जो उनका एजेंडा होता है वो सिर्फ अपने पे और बेनिफिट्स को बढ़ाने के लिए या फिर उनके ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं उनको एड्रेस कराने के लिए नहीं होता है, कभी कभी पॉलिटिकल मूड से भी मोटिवेटेड होता है, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशंस को झेलने के लिए, ऐसी सिचुएशंस को काउंटर करने के लिए हमें इन काउंटर ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर एक बहुत इफेक्टिव कंट्रोल होना चाहिए, तभी हम एक पावरफुल सिचुएशन में हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपका इन काउंटर ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर काफी ज्यादा कंट्रोल है तो इसका मतलब ये है कि आपके पास एक पावर है, ठीक है। सो इट इज ऑल्सो सोर्स ऑफ पावर इन द ऑर्गेनाइजेशन। नाउ इफ यू कैन इन्फिल्ट्रेट और होल्ड ओवर द ग्राउंड्स यू मे डैम द डेंजर, देयर पावर कैन पॉसिबली न्यूट्रलाइज देम, ठीक है। और अगर आप इनके ग्रुप्स को जो इन्फिल्ट्रेट कर सकते हो, इन्हें आप रोक के रख सकते हो, तो जो डेंजर ये आपको प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, आप इसको क्या कर सकते हो, आप इसको न्यूट्रलाइज कर सकते हो पूरी तरीके से, ठीक है। और अपने ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस में, उसके प्रॉफिट में जो भी चीजें जो कि हैसल बन रही थी उनको हम हटा सकते हैं, ठीक है। Now the 11th one is the symbolism and the management of meeting. So we live a lot more than perhaps we realize in this way of the symbols and semiotics of the workplace. तो हम जितना सोचते हैं उससे ज्यादा हम symbols की दुनिया में या फिर semiotics की workplace की दुनिया में जीते हैं. And if you can recognize the subtlety and understand the workings of how meaning is created and have a powerful tool for the change and the influence. और अगर हम इस चीज को समझें कि किस तरीके से meeting जो है होती है, ठीक है, यहाँ पे मीनिंग नहीं होगा, मीटिंग होगा, कि किस तरीके से मीटिंग्स का है वो उनका काम होता है, किस तरीके से मीटिंग्स क्रिएट की जाती हैं, तो ये काफी ज्यादा एक पावरफुल टूल साबित हो सकता है किस चीज का, चेंज और इन्फ्लुएंस का किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में।
तो यहाँ पे बात आती है सिम्बोलिज्म एंड द मैनेजमेंट ऑफ मीटिंग की. मीटिंग का क्या सिंबल है, मीटिंग के क्या मैनेजमेंट है. तो अगर हम मीटिंग को समझें, कई बार काफी सारी मीटिंग्स होती रहती हैं, ठीक है, हमारे गवर्नमेंट में भी काफी सारे मिनिस्टर्स एंड मीटिंग करते रहते हैं, जैसे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में मीटिंग होती रहती है कि काम कितना हुआ, किस तरीके से करना है, क्या हमारा एजेंडा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. उसी तरीके से सो सिमिलरली हमारे ऑर्गेनाइजेशंस में, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में भी मीटिंग्स होती हैं और मीटिंग्स का एजेंडा होता है कि किस तरीके से काम करते रहना चाहिए, ठीक है. सो इट एक्ट एज अ वेरी पावरफुल टूल फॉर द चेंज एंड द इन्फ्लुएंस. तो चेंज और इन्फ्लुएंस के लिए बहुत पावरफुल टूल साबित हो जाता है. ओके, नाउ द 12th वन इज द जेंडर मैनेजमेंट. तो जेंडर मैनेजमेंट की अगर हम बात करते हैं, तो जेंडर मैनेजमेंट कैसे होता है कि अगर हम एक बैलेंस्ड वर्क प्लेस की बात करें तो हाफ शुड बी मेन एंड हाफ शुड बी वुमेन, कि आधा आदमियों से भरा होना चाहिए, आधा औरतों होनी चाहिए वहां पे. लेकिन अगर हम प्रैक्टिकल सिचुएशन में देखें, ऐसा होता है नहीं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है. अगर हम प्रैक्टिकल दुनिया में देखते हैं तो औरतों की पोजीशन अभी भी जो टॉप एक्सलेंस ऑफ द गवर्नमेंट है या फिर ब्यूरोक्रेसी है या फिर ऑर्गेनाइजेशंस है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस की हम बात कर रहे हैं, वहां पे बहुत कम है, बहुत ही कम है, ठीक है, फ्रैक्शंस में है. क्यों? क्योंकि कई बार जो है, जो औरतें हैं वो अपनी कुछ पर्सनल जिम्मेदारियों की वजह से, पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज की वजह से, जो उनको कुछ ब्रेक लेना पड़ जाता है अपने काम की तरफ से, तो वो उनके लिए एज ए ग्लास सीलिंग एक्ट करते हैं, ठीक है. द ग्लास सीलिंग स्टिल एग्जिस्ट फॉर सम वुमेन, की जो ग्लास सीलिंग है वो अभी भी उनके लिए एग्जिस्ट करती है. क्यों? क्योंकि बीच बीच में उनको कभी उनको मेटर्निटी लीव लेनी पड़ती है, या फिर उनको अपनी मैरिज की वजह से उनको ट्रांसफर करवाना पड़ता है, या फिर उनको एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में प्रमोशन नहीं मिल पाता. तो इसकी बहुत सारी वजहें ये होती हैं कि उनके पर्सनल लाइफ में जो कुछ चेंजेस चल रहे होते हैं उसकी वजह से उनके करियर पे एक नेगेटिव इफेक्ट आता है, ठीक है. तो इस नेगेटिव इफेक्ट को दूर करके अगर हम उस डेमोग्राफी को, अगर हम फीमेल वर्कफोर्स को यूज कर लेंगे, तो वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए, हमारे कंट्री के लिए काफी ज्यादा फ्रूटफुल होगा, ठीक है. अभी भी जो हमारी एक रिसेंट रिपोर्ट आई थी, तो उस रिसेंट रिपोर्ट में यही कहा गया था कि इंडिया की जो वर्कफोर्स है, जो वुमेन वर्कफोर्स है, अगर वो यूटिलाइज कर लेती है तो हमारे जीडीपी का 34% आई गेस, शायद यही था कि 34% तक हमारा जीडीपी जो है वो ग्रो कर जाएगा अगर हम अपनी सारी की सारी फीमेल वर्कफोर्स को भी उसमें इंक्लूड कर लेते हैं, ठीक है. तो इसलिए जो जेंडर मैनेजमेंट है, ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टूल है और अक्सर इस पे बात भी होती रहती है. जेंडर सेंसिटिविटी पे बात होती है, जेंडर मैनेजमेंट पे बात होती है. तो अगर कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो जेंडर मैनेजमेंट बहुत ज्यादा काम करती है, इट मीन्स इट अज्यूम्स अ रोल ऑफ पावर. अगर हम जेंडर मैनेजमेंट की बात करें, इसमें जो प्राइम एग्जाम्पल है तो वह बालाजी टेलीफिल्म्स, ठीक है. जो बालाजी टेलीफिल्म्स है उसकी जो वर्कफोर्स है, हम आपकी सीरियल्स की बात नहीं कर रहे हैं, द टीम हु इज बिहाइंड दोज सीरियल्स, ठीक है, जो उनका वो पूरा ऑर्गेनाइजेशन है बालाजी टेलीफिल्म्स, उसकी जो 80% की जो आपकी वर्कफोर्स है, दैट इज फीमेल, दैट इज वुमेन, ठीक है. तो वहां पे फीमेल्स को सबसे पहले प्रायोरिटी दी जाती है. इट इज ऑल्सो ओन्ड बाय अ फीमेल, एक तक. सो द जेंडर मैनेजमेंट है, अगर हम उसको बहुत ही अच्छे से यूटिलाइज करते हैं, इट ऑल्सो एक्ट एज अ टूल ऑफ पावर, ठीक है. नाउ द थर्ड वन इज द स्ट्रक्चरल फैक्टर्स. तो क्या हमारे स्ट्रक्चरल फैक्टर्स हो सकते हैं? द स्टेज ऑफ एक्शन इन ऑर्गेनाइजेशन इज सेटअप बाय द ऑर्गेनाइजेशनल पर्पसेस, विजन, मिशन, स्ट्रेटजी एंड अदर हाई लेवल शेपिंग एक्टिविटीज दैट ड्राइव टू न्यू मार्केट्स टू स्ट्रगलिंग विद द ऑर्गेनाइजेशन चेंज. कुछ हमारे स्ट्रक्चरल फैक्टर्स होते हैं. स्ट्रक्चरल फैक्टर्स में हमारे क्या क्या आते हैं, जैसे कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस क्या है, हमारा विजन क्या है, हमारा मिशन क्या है, स्ट्रेटजी क्या है हमारे ऑर्गेनाइजेशन गोल को पाने के लिए. तो इन सारे एक्टिविटीज को शेप करने के लिए और अपने नए मार्केट में जाने के लिए और ऑर्गेनाइजेशनल जो चेंजेस चल रहे होते हैं उनके साथ स्ट्रगल करने के लिए हम जिन चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं वो हमारे स्ट्रक्चरल फैक्टर्स कहलाते हैं, ठीक है. तो स्ट्रक्चरल फैक्टर्स का काम क्या है कि हमें नए मार्केट में जाना है, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के चैलेंजेस हैं, चेंजेस हैं, हमें इनको एंड्योर करना है और उसके बाद हमें विक्टोरियसली निकलना है वहां से अपने ऑर्गेनाइजेशन गोल को कंप्लीट करके या फिर अपने आप को मार्केट में एस्टैब्लिश करके, ठीक है. नाउ इफ यू कैन शेप द डायरेक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, यू हैव ट्रेमेंडस पावर टू अफेक्ट मच व्हाट इट डज एंड कंसिक्वेंटली द फ्यूचर्स ऑफ अदर्स इन द फर्म. तो अगर आपके पास ये पावर है कि आप ऑर्गेनाइजेशन का डायरेक्शन डिसाइड कर सकते हैं और आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि क्या फ्यूचर होगा उसका, तो आपके पास डेफिनेटली काफी ज्यादा पावर आ जाएगी और जो ना कि सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्ट करेगी बल्कि फ्यूचर में जो उसमें काम करने वाले बाकी लोग हैं उन भी काफी सारे लोगों को इफेक्ट करेगी, ठीक है. सो जो स्ट्रक्चरल फैक्टर्स हैं आप उनको किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं, इट ऑल्सो गिव्स यू लॉट ऑफ पावर. ओके, नाउ द 14th एंड द लास्ट वन इज द पावर वन ऑलरेडी हैज. ये एक इंसान जिसके पास ऑलरेडी एक नेचुरल पावर होता है, वो नेचुरल पावर क्या है, हमारी चरिस्मैटिक पर्सनालिटी. इफ यू हैव अ वेरी चरिस्मैटिक पर्सनालिटी, जैसे बात करते हैं इंदिरा गांधी की, नरेंद्र मोदी की,
ठीक है, लामिदर पुतिन की, तो इन लोग की काफी चैरिस्मेटिक पर्सनैलिटी, सो बिकॉज ऑफ देयर पर्सनैलिटी हाँ वो अपना काफी सारा काम करवा लेते हैं और एक पावर एग्जीक्यूट करते हैं दूसरों के ऊपर. ठीक है, तो ये जो चीज है वो उनकी अपनी पर्सनल है, तो ये पावर उनके पास ऑटोमेटिकली है. राइट, तो ये जो पावर है ये आपसे तो कोई छीन सकता है नहीं, ये आपका अपना है, आपको कोई ऑर्गेनाइजेशन देती नहीं होती है, आपको इंकल्केट करना नहीं होता है. तो एक ये भी पावर होता है. इसके अलावा जो एक पावर हर एम्प्लॉय के पास होता है ऑर्गेनाइजेशन में, वो क्या है, एंड वी कैन लीव द कंपनी एट एनी टाइम वी चूज, कि हम किसी भी टाइम जब भी चाहे अपनी कंपनी को छोड़ सकते हैं. ठीक है, तो जो पावर टू एग्जिट है, द पावर ऑफ एग्जिटिंग द ऑर्गेनाइजेशन, ये भी एक इंसान के पास हमेशा रहता है. ठीक है, सो विद दिस वी आर फिनिश्ड विद ऑल द काइंड्स ऑफ पावर्स विच एन ऑर्गेनाइजेशन कैन हैव, और अगर आपके पास ये पावर्स हैं तो किस तरीके से आप अपनी पोजिशन को और बेटर कर सकते हो, या फिर आप ऑर्गेनाइजेशन को किस तरीके से बेनिफिट कर सकते हो. ठीक है, सो विद दिस वी आर फिनिश्ड विद दिस टॉपिक. ओके.